हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30, तभी से मैं वीडियो एडिट कर रहा था पिछली वाली और उसे अपलोड पे लगा दिया मैंने। तो अभी ये सीन क्या, अभी मैंने बताया था कि मैं पैकिंग करूँगा आज, तो आज अभी मैं कर रहा हूँ पैकिंग। तो नीचे देखो कपड़े वगैरह मैंने रख लिया, और ये मशीन की आवाज़ें आ रही हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि बगल में काम चल रहा है। ओहो, कंट्रोल कंट्रोल मशीन कंट्रोल। तो अभी क्या, अभी मैं पैकिंग कर रहा हूँ, तो पैकिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। आप बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मैं पैकिंग बहुत पहले ही करना था लेकिन वीडियो एडिट वगैरह करने में देर हो गया, तो अब पैकिंग करेंगे। जल्दी जल्दी पैकिंग करते हैं। तो गाइस, तो कपड़े हमारे पास ये हैं और ये है और ये भी है। तो लेकिन कपड़ों से पहले हमें पैक करना है पहले अपने लैपटॉप, कैमरा वगैरह, स्टैंड वगैरह पैक करना है। तो स्टैंड पे तो अभी शूट हो रहा है, तभी उसे नहीं पैक करेंगे, तो लैपटॉप वगैरह पहले रख देते हैं। तो लैपटॉप पहले मैं रखता था इस बैग में, जो लैपटॉप के साथ आया था, तो इस बैग में मुझे नहीं अच्छा लग रहा रखने को, मैं इस पर नहीं रखूँगा, ये बैग मुझे पसंद नहीं है, तो इसमें ये मैं लेके जाऊँगा। तो इस बैग में किनारे रखता हूँ, हमारे पास उससे अच्छा बैग है हमारे पास ये, जो कि है वाइल्ड क्राफ्ट का, नो स्पॉन्सरशिप, खुद खरीदा हुआ बैग है, ये मैंने खुद खरीदा है, तो कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। तो इसमें मैं रखूँगा लैपटॉप को, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लैपटॉप रखेंगे, इसमें लैपटॉप अटेगा कि नहीं अटेगा पता नहीं। वैसे मैं हमेशा मैं ट्रैवल करता हूँ तो लैपटॉप लेकर नहीं जाता हूँ, पहली बार इस बार मैं लैपटॉप लेकर जा रहा हूँ। वैसे लैपटॉप मेरा आ नहीं रहा, इसमें बहुत मुश्किल से आ रहा है, लेकिन मैनेज हो जाएगा। इसमें लैपटॉप अपना अच्छे से आ नहीं रहा है, ये ज़बरदस्ती आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ उसमें मैं रखूँ कि ना रखूँ, लेकिन अच्छा बैग है लैपटॉप, इसमें आना चाहिए। वैसे कीबोर्ड आ पाएगा इसमें, कीबोर्ड आ जा रहा हमारा, और फिर चार्जर भी आ गया हमारा, और ये रहा माउस। वैसे मैं हमेशा लैपटॉप लेके जाता हूँ, पहली बार मैं लैपटॉप लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग करनी है, तो लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा। तो ये सारा हो गया, तो ये लैपटॉप का बैग तैयार हमारा, क्योंकि अगर मैं लैपटॉप को अगर बाहर निकाल के रखूँगा तो ये फट जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये तब ये अट जा रहा है, तभी आ जाएगा मेरा। ये बैग मैं ले जा रहा हूँ, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, आराम से इसे मैं ऐसे ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा लैपटॉप बैग तैयार हो गया, अभी क्या तैयार करना है, हमें इसको किनार कर देते हैं, और अब हमारा बैग तैयार करना है कपड़ों का। तो तीन चीज़ें मेन पड़ने वाली हैं, तो सबसे पहले क्या है, शर्ट, तो शाम वाली शर्ट और एक सुबह वाली शर्ट। तो शाम वाली शर्ट के लिए हमारे पास है ये शर्ट, ये जीन्स, तो इसे रख देते हैं। दूसरा आता है सुबह वाली शर्ट, तो उसके लिए हमारे पास है ये जीन्स और ये हुडी, तो इसे रख देते हैं। फिर हमारा ग्रे पर फेस वाला फंक्शन है, तो ये रखना है मुझे, ये कुर्ता है, तो कुर्ता। और तो गड़बड़ हो रहा है पैकिंग करने में, कुछ तो प्रॉब्लम है, ऐसे मैं पैक नहीं करूँगा, मुझे अलग तरीके से पैक करना पड़ेगा। अब बात यह है, जितने भी हैं ये सब घर में पहनने के लिए, तो ये ट्रैक सूट, ये और ये ट्रैक सूट, तो इसे ये स्वेट शर्ट, ये स्वेटर, इन दोनों को भी ये दो शर्ट मैं एक्स्ट्रा में ले जा रहा हूँ कि अगर जरूरत पड़ गई तो इसे भी पहन सकता हूँ मैं। तो ये और बस ये की जगह बची थी, तो ये टी शर्ट, ये लोअर, और साथ में ये टी शर्ट, ये बंद होगा कि नहीं, ये बैग बंद होगा कि नहीं।
मैं क्या करूँगा, ये मैं इसी बैग में सोचूंगा रखने के लिए कैसे रख सकते हैं। वैसे जगह तो है इस बैग में, आराम से रख सकते हैं और इससे हमारा लैपटॉप भी प्रोटेक्टेड रहेगा आगे से भी। तो ये हो गया, इसमें हो जाएगा आराम से, परफेक्ट हो गया। मुझे एक कॉपी भी रखनी है, तो कॉपी में सोच रहा हूँ इसी में रख लूँ, इसी बैग में सिर्फ इसमें। तो गाइस आर पैकिंग इज डन, तो मैंने क्या किया, मैंने इस बैग में नहीं पैकिंग किया, ये बैग थोड़ा छोटा पड़ रहा था मेरे को, मुझे लगा हो जाएगा, लेकिन हो जाता, लेकिन थोड़ा लार्जर स्पेस रहेगा तो ज़्यादा स्पेस बचा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा, तो इसीलिए मैंने इसे कैंसिल किया। बैग मुझे जाना था, ये बैग बहुत अच्छा है, वाटर प्रूफ है अच्छा खासा, लेकिन ठीक है इस बैग को नहीं लेके जाना, कम सामान रहता है, सिर्फ लैपटॉप लेके जाना होता तो ये मैं बैग ले लेता, लेकिन साथ में एक सामान और था, लेकिन अभी भी मैं इसे ले सकता हूँ, ट्राई करूँ क्या, ट्राई कर सकता हूँ मैं, लेकिन बहुत सारे सामान हो जा रहा है जो कि मैं इस बैग में रख सकता हूँ, लेकिन इस बैग में नहीं रख सकता। इस बैग में मैंने पैकिंग कर दिए, इस बैग में मैंने लैपटॉप रख दिया, एक अपना ये स्वेट शर्ट रख दिया, और एक कीबोर्ड भी रख दिया, लैपटॉप भी रख दिया इसमें आराम से, और ये जगह है इसमें और भी, लेकिन इसमें जगह भी, इसमें भी ऐसी बात नहीं है जगह नहीं है, जगह इसमें भी बहुत है। देखो तो गाइस मैंने फाइनल कर लिया, यही बैग मैं लेके जाऊंगा, अगर लेकिन लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज भी हो सकता है, मैं ये भी बैग लेके जा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं यही लेके जाऊंगा, मतलब जहाँ तक मेरी सोच है ये बैग ज़्यादा सही है अभी, क्योंकि अगर मुझे वो स्वेटशर्ट नहीं रखना होता तो मैं ये बैग लेके जा सकता था, ये छोटा बैग है। और एक और प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या, अभी देखो इस बैग के पैड के पीछे देखो, ये नॉर्मल है ना, इस पैड के बैग के पीछे देखो, ये जो है ना, इसके वजह से क्या होता है, कई सारे मटेरियल होते हैं जो स्वेटर वगैरह होते हैं उसमें से रुई वगैरह निकलने लगते हैं, इसके वजह से इस बैग को लिया है, एक ही प्रॉब्लम है, लेकिन बैग बहुत मस्त है ये, तो अभी तो यही मैं सोच रहा हूँ, यही लेके जाऊँगा मैं, ये लास्ट मोमेंट अगर प्लान चल जाता है तो मैं ये लेके जाऊँगा, नहीं तो ये डन, पैकिंग खत्म, अब सीधा कल जाने की तैयारी है। चलो मिलते हैं, उसके बाद मैं जा रहा हूँ, मैं सोने थोड़ा आराम करूँगा, तो अभी बज रहा है शाम के 7:30, नहीं 8 बजने वाले हैं, अभी 8 बजने वाले हैं, और मैं अभी गया था मार्केट, तो मार्केट से मैं ये लैब मैनुअल लेके आया फिजिक्स के लिए, तो उस दिन आपने देखा था कि मैं फिजिकल एजुकेशन के लिए और बायोलॉजी के लिए मैनुअल लेके आया था, केमिस्ट्री और फिजिक्स मुझे नहीं मिला था, तो आज गया तो मैं फिजिक्स का लेके आया, केमिस्ट्री का अभी भी नहीं मिला, मैंने सोचा कि आज लेते आऊँगा, तो फिर उधर से आने के बाद मुझे लेने नहीं जाना पड़ेगा, सीधा आऊँगा तो लिख के स्कूल में सबमिट करता हूँ, क्योंकि आने के समय नवंबर का लास्ट चलता रहेगा, तो कहीं हो सके तो स्कूल में अगर मांगा जाए लैब मैनुअल, तो इसीलिए मैंने सोचा कि रख लेता हूँ, खरीद के आऊँगा सीधा कंप्लीट करके जमा कर दूँगा। अभी फिर भी केमिस्ट्री का रह गया, केमिस्ट्री का नहीं मिला, और ये देखो पीछे आप देख रहे हो ये पूरा कपड़ा टांगने वाला पूरा एकदम खाली है, क्यों खाली है, क्योंकि इसमें सारे कपड़े आपने हटा दिए हैं, क्योंकि आप देखो जाऊँगा तो कोई रहेगा नहीं, पर डैडी रहेंगे, पर डैडी उतना ध्यान देंगे नहीं, इस रूम को तो बंद ही रखेंगे हम लोग, तो इस रूम में वैसे भी कुछ रहता नहीं, बस मेरा कपड़ा था, तो कपड़े को हमने हटा दिया, नहीं तो रात को चूहा वगैरह घूमते हैं वो कपड़े काट भी सकते हैं, तो इसीलिए हटा दिए सारे कपड़े, वो दो हैं तो मुझे पहन के जाना है कल, तो इसलिए रखे हुए हैं। और अभी ऐसे क्या काफ़ी ठंडी बढ़ गई है, मतलब अच्छी खासी ठंडी अब लग रही है, तो अभी क्या, अभी ज़्यादा मैंने कुछ आज शूट नहीं किया, क्योंकि शाम को मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, पैकिंग करते वक्त, पैकिंग करने के बाद मैं सो गया, सो के उठने के बाद मार्केट वार्केट चला गया, तो ज़्यादा कुछ मैंने शूट वूट नहीं किया। ब्लॉग को एंड करूँगा मैं कल सुबह जाने से पहले, और जो कल ट्रैवलिंग वाला पार्ट होगा वो दूसरे ब्लॉग में होगा, तो कल एंड करूँगा, और फिर कल वहाँ जब पहुँच जाऊँगा अपने गांव तब इसे एडिट करके सोच रहा हूँ कल ही डाल दूँगा, अपलोड कर दूँगा वीडियो, हो पाएगा तभी, कह तो दिया मैंने पिछले वाले ब्लॉग में, लेकिन अब क्या करें, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन मैं ट्राई करूँगा, अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि इसे मैं अपलोड कर ही दूँ। तो चलो अभी खाना वाना खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे मतलब आधे घंटे बाद, तो कुछ और मैं बायोलॉजी के लिए मैनुअल में और कुछ लिख लेता हूँ, मैं जितना ज़्यादा मैं लिख के रखूँगा उतना ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए, तो अभी जा रहा हूँ, और फिर खाना खाएंगे और खाना खाने में सोएंगे, जल्दी सोना है, फिर सुबह जल्दी उठना है, काम वाम है थोड़ा सुबह उठ के, अभी थोड़े बहुत सामान है वो मुझे सुबह रखना है जो कि लास्ट मोमेंट पर रखना है, तो वो सब रखने के बाद ही हो पाएगा, तो अभी वो सब रखना है, तब मैं जा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत जो काम वाम है सब निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे जब भी होता है तभी मिलते हैं। तो आज है दूसरा दिन, तो अभी बजना सुबह के 8, और अभी जाने की तैयारी पूरी मतलब लगभग हो चुकी है, रेडी नहीं हुआ हूँ मैं अभी, अभी मैंने रेडी नहीं हुआ अभी, तभी से मैं थोड़ा और सामान वामान बचे हैं वो मैं रखूँगा अभी, जैसे कि मेरा फेस स्क्रब, फेस मास्क, ग्रूमिंग के प्रोडक्ट जितने भी हैं उसे रखना है, और अपना प्रोटीन भी रखना है, क्योंकि देखो भले ही जा रहा हूँ वहाँ पे तो जिम है नहीं, लेकिन घर पे वर्कआउट करेंगे जितना हो सकेगा, और प्रोटीन चाहिए ही, तो उसको भी लेके जाएंगे, उसको रखना है अभी,
और ये व्लॉग चलो एडिट करके मैं शाम तक डाल ही दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं कर दूंगा। और अभी क्या करना, अभी इस व्लॉग को एंड करेंगे, अभी नहीं करेंगे, जब मैं निकलूँगा यहाँ से तभी से एंड करेंगे, और जो ट्रैवलिंग वाला व्लॉग होगा वो अलग व्लॉग में होगा। तो अभी क्या करता हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट जितने भी हैं ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स वो सारे रख लेता हूँ, उसके बाद मिलता है, क्योंकि ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स रखना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे फंक्शन है तो अच्छा भी दिखना भी है, तो इसीलिए ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स सारे रखना है। और उसे रखने के बाद अभी चलने का टाइम हो रहा था, हमें आज जाना है बस वगैरह से, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बस से जाने में, क्योंकि कई जगह से हमें बस चेंज करना है, यहाँ से जाना है 23 किलोमीटर, फिर 23 किलोमीटर से बस चेंज करके हमें जाना है, मतलब 1.5 घंटा का रास्ता है, फिर उसके बाद 1.5 घंटा और, फिर उसके बाद आधा घंटा और, फिर उसके बाद तब पहुँचेंगे, मतलब बहुत जगह 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 पे चेंज करना पड़ता है। अभी थोड़ा छत पे चलते हैं, छत पे घूम के आते हैं, क्योंकि छत पे देखते हैं धूप हुआ है या फिर मौसम ख़राब है, बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो मुझे जैकेट पहन के जाना पड़ेगा, जैकेट तो वैसे ही पहन के जाना पड़ेगा क्योंकि बस में थोड़ी ठंडी लगेगी, हवा लगेगी, तो तबीयत ख़राब नहीं करना है, तो बस में जैकेट पहन के जाएंगे। चल छत पे देख के आते हैं धूप उग गया कि नहीं उग गया। चलो अभी थोड़ा अच्छा है कि धूप उग गया, और मेरे मुँह पर धूप पड़ा, इधर से बताता हूँ, तो ये अच्छा हुआ कि धूप उग गया, अब धूप उग गया तो थोड़ा बहुत आराम हो जाएगा हमें, लेकिन जैकेट पहन के जाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन नहीं होनी चाहिए वैसे क्योंकि बस में हवा चलेगी। तो अभी क्या, अभी नहा वा लूँगा, मैं तैयार वैयार हो जाऊँगा, फिर सुबह जाऊँगा मैं ई रिक्शा लाने के लिए, ई रिक्शा से यहाँ से बस स्टैंड जाएंगे, बस स्टैंड से बस लेंगे, फिर सुबह जाएंगे, मतलब बहुत आज सफ़र दिन भर अपना सफ़र में लगने वाला है, शाम तक हम पहुँच जाएंगे, शाम तक मतलब 2-3 बजे तक पहुँच जाएंगे हम, उससे पहले ही पहुँच सकते हैं, लेकिन उतना मैं क्रॉस लेके चल रहा हूँ तो वहाँ तक उस समय तक पहुँच जाएंगे। और फिर पहुँचने के बाद थोड़ा आराम करेंगे, आराम नहीं भी करेंगे लेकिन वीडियो एडिट करेंगे, वीडियो एडिट करना है, और मेरा जो वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन है वो कल रात को ख़त्म हो गया, आज फिर मैं उसे रिन्यू करूँगा, तो वहीं चले करूँगा मैं, और फिर एडिट करेंगे और वीडियो अपलोड कर देंगे। तो इसके बाद मैंने सोचा कि मैं वीडियो को एंड कर देता हूँ, लेकिन जब मैंने जो अपनी ट्रैवलिंग वाली फाइल्स थी वो देखी तो ज़्यादा लंबी नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा क्या है उसको अलग वीडियो में डालें, ये वीडियो 6 मिनट की हुई है तो 6 मिनट के बाद से उसी में ऐड कर देते हैं जो ट्रैवलिंग वाली वीडियो है, तो उसमें ऐड करने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि मैंने एक दिन कल ब्लॉग नहीं डाला था तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा, तो आज से हम डेली डेली ब्लॉग डाल सकते हैं, तो मैंने सोचा इसी में कंपाइल कर देते हैं, तो यानी सफ़र वाला वीडियो भी इसी वीडियो में आएगा, तो चलो सफ़र को शुरू करते हैं। चलो अभी बजना सुबह के 9:30 और अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने गांव के लिए, तभी हम लोग निकलने वाले हैं, तो अभी क्या सब कुछ रेडी हो चुका है, तो अभी मैं जा रहा हूँ ई रिक्शा लेके आने के लिए ताकि हम लोग बस स्टैंड तक जा सके। और ये देखो ये जैकेट पहना है मैंने, ये बहुत ही मोटा जैकेट है, इसकी ज़रूरत तो नहीं है पहनने की, लेकिन इसको पहनने का दूसरा कारण ये है, जैसे अगर बैग में रखूँगा तो बैग में अब जगह नहीं बचे थोड़ी भी, बैग में इसे रखूँगा तो बैग में जा नहीं पाएगा, इस तरह शरीर पहने रहूँगा तो चला जाएगा ये, ताकि वहाँ जाकर पहन सकूँ, और फिर वहाँ से आते वक्त भी मुझे पहन के आना पड़ेगा, लेकिन मैनेज कर लेंगे, बस में निकाल दूंगा वापस से, और अगर नहीं तो मैनेज हो जाएगा तो ठीक है, और इतनी भी गर्मी नहीं है, लेकिन अगर होने लगे गर्मी हो सकती है इस जैकेट से, तो मैनेज कर लेंगे। और अभी चलते हैं ई रिक्शा लेके आते हैं और फिर ई रिक्शा से जाएंगे बस स्टैंड पे। अभी हम बस में बैठ चुके हैं और ये बस जाएगी 23 किलोमीटर, इस बस से जाना है हमें 23 किलोमीटर, या फिर उससे भी ज़्यादा हो भी सकता है, उससे भी कम भी हो सकता है, पर पता नहीं कितना है, लेकिन बस में बैठ चुके हैं, प्रॉब्लम तो हो रही है थोड़ी, क्योंकि थोड़ा गंदा है बस, सरकारी बस है तो इसी वजह से, तो अभी इससे जाना है और बस अब जब पहुँचेंगे तब वहाँ आपको दिखाएंगे। और ये लैपटॉप का बैग मैं हाथ में लेकर बैठा हूँ इसी वजह से, अब बैग बहुत ज़्यादा है इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पर मैनेज कर लेंगे। और अभी मैं अपने मीवी डुओ बड्स कनेक्ट करता हूँ और मस्त गाना सुनते हुए चलेंगे। तो अभी हम बैठे हुए हैं दूसरे बस में, और दूसरे बस में पहले बस हम लोगों ने चेंज कर लिया है, तो अभी दूसरे बस में बैठे हुए हैं, तो इसमें हमें कम से कम 1.5 घंटे के सफ़र इस बस से करनी है हमें। उस बस में मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, बस बता दिया, धूप लग रही है मुंह पे बहुत तेज, अभी इस बस को चेंज करेंगे फिर, मतलब बहुत जगह बस चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो पहले हम लोग जाते थे हम लोग ट्रेन से जाते थे, लेकिन अभी ट्रेन बंद है तो हम लोग को बस से जाना पड़ा, बस में जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमको, लेकिन क्या करें जब जाना है तो करना तो पड़ेगा ही। तभी बस में बैठे हुए दूसरे बस में, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें जब पहली बस से हम लोग उतरे तो तुरंत हमें दूसरी बस मिल गई, ज़्यादा समय हमें नहीं लगा, तुरंत हमें यह बस मिली और बैठ गए हम लोग, अब ये चल भी रही है बस, ज़्यादा समय लगेगा अभी नहीं, तभी वहाँ पहुँचते हैं।
यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि किसी तरह कंजेस्टेड होकर मैं इसमें बैठा हुआ हूँ बस में, और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मेवी के डुओपॉड भी बढ़िया काम कर रहा है, और बाहर का ये व्यू देखो, और काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है तो जैकेट पहनने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और बाल उड़ रहे हैं इतने मस्त कि मतलब क्या ही बताया जाए। देखो और ये देखो हमारा रिश्ता कितना गहरा है कि मैं जो मन में बोल रहा हूँ वो भी आपको सुनाई दे रहा है। सोचो हमारा रिश्ता कितना गहरा हो चुका है, डेली डेली ब्लॉग्स आप देखते हो मेरे, तो रिश्ता तो गहरा होगा ना, दिल की बातें आप सुन सकते हो, तो बस बहुत बढ़िया है। तो अभी हम दूसरे बस से उतरे हैं, और दूसरे बस से उतरने बाद अभी यहाँ से एक जगह से और बस पकड़ना, बस लास्ट। लेकिन यहाँ जाम देखो, मेरे पीछे देखो जाम, देखो हमें जाना है उधर, लेकिन जाम की वजह से, ये सब छठ की वजह से हो रहा है, सब छठ की वजह से बहुत ज़्यादा जाम है। चलो उधर उधर चलना है, छठ की वजह से इतना ज़्यादा जाम है, मतलब पूरा नेशनल हाईवे पे जाम है। सोचो नेशनल हाईवे पे जाम, देखो इतना ज़्यादा जाम। तो अभी हम ई रिक्शा करेंगे और ई रिक्शा से दूसरे बस स्टैंड पे जाएंगे, वहाँ से फिर बस पकड़ के तब अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे हम पहुँचेंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही जाने में। इतना ज़्यादा जाम है गाइस, 2 किलोमीटर जाने के लिए हमें 45 मिनट लगता है, और अभी तक हम पहुँच नहीं। अभी देखो क्या ही बोले, हम आवाज़ ही तो सुनाई नहीं दे रहा होगा गाइस। तो बहुत ही मशक्क़तों के बाद और बहुत ही मुश्किलों के बाद हम अपने गांव पहुंच गए, और ये पीछे देख कर लग ही रहा है आपको कि हमारे गाँव पहुँच चुके हैं। और पीछे ये सामान देखो, सब इसी तरह फेंका हुआ है, कुछ भी मतलब ये नया घर है तो कुछ भी बिस्तर होता है, कुछ भी सेट नहीं है, तो बिस्तर वगैरह सेट करना है, बिस्तर वगैरह सेट करके तभी हम सो पाएंगे। तो पहुँचा मैं 3 बजे, मतलब कि 10 बजे मैं निकला था वहाँ से जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ से 10 बजे से 3 बजे आते आते बहुत ज़्यादा जाम था, बहुत ज़्यादा, मैंने आपको दिखाया भी था जाम। उसके बाद से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कुछ भी, पूरे सिर में मेरा दर्द हो गया था इसकी वजह से, और कल से फिर डेली व्लॉग आने लगेंगे। आज वीडियो नहीं आ पाई यार, सबसे बड़ी बात ये है कि वीडियो नहीं आ पाई आज। चलो ठीक है, तो आज मैं अभी तक आया हूँ, तो अभी तक मैं आके थोड़ा खाना वाना खा के थोड़ा घूम रहा था, अभी बज रहे हैं शाम के 6:15। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी रूम की साफ सफाई वगैरह करेंगे, सोने लायक करेंगे इसे, और सोने लायक करने के बाद स्लीपर लेके मैंने आया था, तो गया मैं बाजार से स्लीपर खरीद के लेके आया। तो अब जो भी ब्लॉग होंगे कल से ब्लॉग मैं स्टार्ट करूँगा, तो कल से करूँगा, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।